वंदे मातरम दिल्ली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि जैसे जैसे केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मशहूर बनता जा रहा है, वैसे वैसे बीजेपी में खौफ और बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर बीजेपी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री को बदलने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जहां भी चुनाव होते हैं वहां की जनता चाहती है कि वो केजरीवाल को मौका दें। दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से सरकारें केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे काम कर रही हैं और चारों तरफ इनकी वाहवाही हो रही है, तो जहां भी अब चुनाव होते हैं वहां माहौल यही बनता है कि जैसे दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, पंजाब के लोगों ने केजरीवाल जी को मौका दिया, वैसे ही जहाँ चुनाव होता है वहाँ भी लोग चाहते हैं कि भाई केजरीवाल जी को एक मौका देना चाहिए। आपने देखा गुजरात में जब केजरीवाल जी गए अभी रैली करने, तो कितना ज़बरदस्त वहाँ पे जनता का रेस्पॉन्स मिला। कल हिमाचल गए केजरीवाल जी, तो वहाँ भी जनता का बहुत ज़बरदस्त रेस्पॉन्स मिला। और नई दिल्ली में बीजेपी पार्टी मुख्यालय में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए संघ राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार और बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा कि कल बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस था। 7 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। पखवाड़े के साथ ही भारत में जितने भी आकांक्षी जिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए हैं, इन सभी का जायजा लेने और इन सभी आकांक्षी जिले में एडमिनिस्ट्रेशन ने जो भी सफर तय किया है उसका जायजा लेने भी केंद्रीय मंत्रीगण और पार्टी के पदाधिकारी जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो इस योजना में अपने आप को रजिस्टर्ड करेगा उसको और उसके परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और अब तक 50 करोड़ लोगों को रजिस्टर्ड किया गया है, जिसमें 16 करोड़ लोगों को गोल्डन कार्ड दे दिया गया है। आयुष्मान भारत के हिंदुस्तान का ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ राज्य पीछे छूट गए जिन्होंने आयुष्मान भारत के लाभ को अपने जनता तक नहीं पहुंचाया है। जनता जनार्दन होती है, जनता को इस लाभ से वंचित न रखा जाए, यह दिल्ली की सरकार, उड़ीसा की सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार से हमारी गुहार है कि ठीक है, हो सकता है आपकी भी योजना हो, कोई स्वास्थ्य की योजना हो, मगर डबल इंजन की बेनिफिट अगर आपके जनता को मिले तो व्यारे न्यारे हो जाए। आपका बेनिफिट और हमारा भी बेनिफिट, दोनों बेनिफिट मिलके यदि आपके राज्य की जनता, हमारी भारत की जनता स्वस्थ रहे तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दिल्ली, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल यह भी स्वास्थ्य के इस आयुष्मान भारत के लाभ को जनता तक पहुंचाएं। आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिली जीत का असर अब हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। हरियाणा में पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। आज आपको हरियाणा में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और वहीं उनकी बेटी चित्रा सरवारा समेत कई नेता आप में शामिल हुए। इस दौरान अशोक तंवर समेत आपके कई नेता मौके पर मौजूद रहे। लोगों का मन परिवर्तित हो रहा है। सुबह से लेकर शाम तक लगातार ज्वाइनिंग हो रही है। आज इस क्रम में अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल से प्रभावित होके, गुड गवर्नेंस के मॉडल से प्रभावित होके श्री निर्मल सिंह जी आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल जी ने आपको ज्वाइन कराया है। निर्मल सिंह एक फायर ब्रांड लीडर के रूप के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर जाने जाते हैं। 45 साल से आप कांग्रेस में रहे हैं, 7 साल तक आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, 4 बार एमएलए रहे अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से और लोकसभा कंटेस्ट किया कुरुक्षेत्र से। ब्लॉक प्रेसिडेंट से शुरू करके यूथ प्रेसिडेंट हरियाणा बने और प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस हरियाणा फॉर 7 state years। आप बड़े भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हमारे
आदेश जी यादव जो हमारे इंचार्ज हैं, हमारे महेंद्र जी जो हमारे सहवारी हैं, और चित्रा सरवारा उदयवीर सिंह, मैं आज जो है अपने सभी साथियों के साथ और मैं दल बल जो हमारा एक डेमोक्रेटिक फ्रंट था जो मैंने बनाया था उस सहित आज केजरीवाल जी की जो है नीतियाँ, उनका स्टेट्समैन जो उनका विजन देख के जो दिल्ली मॉडल देख के उनको आज ज्वाइन कर रहा हूँ। और वहीं संसद का बजट सत्र आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है और इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। वहीं स्पीकर ओम बिरला से मिलने कई दलों के सांसद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, फारूक अब्दुल्ला पहुंचे। आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और ये दो चरणों में आयोजित किया गया था। पहले चरण के तहत संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी को शुरू हुई थी जो कि 11 फरवरी तक चली थी। हालांकि बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू हुआ था और निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक इसे 8 अप्रैल तक चलाया जाना था, लेकिन अब बजट सत्र का समापन एक दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही कर दिया गया है, आज कर दिया गया है। और वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम आवर प्लेनेट आवर हेल्थ है। और वहीं विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर राजधानी दिल्ली के आरकेपुरम के सेक्टर 6 में आज फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया जिसमें सभी प्रकार के चेकअप किए गए। वहीं इस दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय निगम पार्षद तुलसी जोशी के द्वारा कराया गया। वहीं इस कार्यक्रम में रोटरी क्लब ने भी अपनी सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में अलग अलग स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाओं के जरिए चेकअप किया गया। ये आज आप सभी जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो उस उपलक्ष्य में हमने ये कार्यक्रम रखा है। हेल्थ चेकअप है और नॉर्मल बीपी शुगर टाइप वाला हेल्थ चेकअप नहीं है, बिकॉज हमेशा से मैंने जब भी हेल्थ चेकअप किए कैंप लगवाया है इट इज़ ऑलवेज लाइक कि क्योंकि बीपी शुगर तो कहीं पर भी चेक हो जाता है। मेनली जो आपका जैसे मेमोग्राफी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट, वो हमने करवाया है, एक्सरे का है, ब्रेस्ट कैंसर का आपने देखा इतने केसेस आते हैं तो उसका जाँच को लेकर है, और लंग्स का टेस्टिंग है और डेंटल का है, आइज़ का आप देख रहे हैं इतनी सारी यहाँ वैंस खड़ी हुई हैं, डेंटल का है, आईज का है। और वहीं पूर्वी दिल्ली के कोंडी इलाके में स्थित दिल्ली जल बोर्ड के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हुए हादसे में 2 कर्मचारी की मौत हो गई थी जिसमें मृतक कर्मचारियों की पहचान 30 साल के यशदेव और 26 साल के नीतीश के तौर पर हुई है। दोनों सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। 31 मार्च को शाम 4 बजे ही दोनों की जहरीली गैस की वजह से सीवर प्लांट में जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई थी। और आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोनों ही परिवार के लोगों से मुलाकात की और 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी। साथ ही साथ दोनों ही परिवार के लोगों को दिल्ली जल बोर्ड में सरकारी नौकरी देने का आश्वासन भी दिया गया है। जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर बीते 31 मार्च की शाम 4 बजे 2 शख्सों की मौत हो जाती है जिसमें ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर मोटर रिपेयरिंग के दौरान जहरीली गैस में उनके दम घुटने से मौत हो जाती है। वहीं आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दोनों ही परिवार के लोगों से मिले और दोनों ही परिवार के लोगों को 10-10 लाख रुपये का चेक दिया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों ही परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी देने का भी आश्वासन दिया है। नेटवर्क 10 दिल्ली। और एडगर बेकर एचआर प्रोफेशनल कंपनी भारतीयों के लिए रोजगार के दरवाजे खोलेगी। दरअसल एडगर बेकर एचआर प्रोफेशनल स्लोवाकिया बेस्ड कंपनी है जो अब भारत में भी रजिस्टर्ड हो चुकी है और उनका नोएडा में ऑफिस भी चालू है। राजधानी दिल्ली में स्लोवाकिया से आए डेलीगेशन ने कार्यक्रम रखा और इस कार्यक्रम के दौरान एडगर बेकर के मैनेजिंग पार्टनर याकूब पेकियक ने बताया कि उनकी कंपनी सेंट्रल यूरोप के लिए भारत से मैन पावर सप्लाई करेगी और अगर कोई सेंट्रल यूरोप से भारत में जॉब करना चाहता है तो उसको भी ये कंपनी मौका देगी। इस तरह दोनों देशों के बीच में रोजगार को लेकर एक नई पहल
कंपनी के द्वारा की जा रही है, जिसका लाभ सेंट्रल यूरोप और भारत के लोग ले सकेंगे। अब से पहले ये कंपनी केवल आईटी सेक्टर में ही जॉब में मदद देती थी, लेकिन अब सभी क्षेत्रों के लिए इन्होंने नौकरी के रास्ते खोल दिए हैं। We established the new company in India. It's our, I would say, first Asian foreign branch. We are a human resources company, and the reason why we came to India it's to build a strong company, human resources company, on Indian market, and also to build our relationship between Slovakia and Europe generally with India. So this is the No, actually it's the opportunity for anyone. This is the opportunity for Indian people to come and live in Europe, especially in Slovakia. It's from students level to the professionals level, like technical people, IT, as was mentioned, because just for your information, only Slovakia, such a small country, needs 15,000 IT people. So there is a really a lack of people. So there is an opportunity for everyone to find who is interesting, skilled, and willing to come to live and work in Europe. You know, because your market is so huge, and there is like really there are so many opportunities, you know. And as Jana and Jakub mentioned, there are like really a lot of open positions and people shortage in Europe, on the European market on whole, you know. Actually, HR company hai जो स्लोवाकिया इस्टेब्लिश है, बट उसने एक अपनी ब्रांच यहाँ ओपन करी है नोएडा के अंदर, जो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन के साथ काम शुरू हुआ है। इसके अंदर हम उन लोगों को रिक्रूट करेंगे जिन लोगों के पास एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, और जो लोग घूम रहे हैं, अब कोई अच्छा अवसर नहीं मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को एक अच्छी ट्रेनिंग के साथ, एक अच्छी जॉब के साथ में हम लोग प्रोवाइड करें। हम अपने यहाँ के कैंडिडेट्स को हम एडवर्ड वाकर के थ्रू ही हम स्लोवाकिया भेजना चाहते हैं, जहां वो अच्छे से अच्छी वहां जॉब कर सके और एक अच्छी एजुकेशन भी ले सके। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वी दिल्ली की डीजीपी प्रियंका कश्यप ने जानकारी दी है कि स्पेशल स्टाफ ने मयूर विहार थाना स्थित त्रिलोकपुरी इलाके में हथियारों का जखीरा बरामद किया है, जिसके आरोप में पुलिस ने हालांकि एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है इसी के साथ ही। और पुलिस के मुताबिक कल देर रात पूर्वी दिल्ली स्पेशल स्टाफ पुलिस को सूचना मिली थी कि त्रिलोकपुरी 27 ब्लॉक में सट्टा माफिया के पास भारी मात्रा में असलहा है। इसके बाद पुलिस ने टीम गठित की और पुलिस भी हैरान रह गई जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मौके पर शकील नाम के शख्स को पकड़ा गया है, जो कि अवैध सट्टा चला रहा था। शकील के पास से पुलिस को 2 पिस्टल, 4 देसी कट्टे के साथ 15 जिंदा कारतूस, 1,43,000 की नकदी और कुछ अवैध नशीले पदार्थ भी बरामद हुए हैं। साथ ही साथ पुलिस को लैपटॉप और 4 मोबाइल भी बरामद मिले। सिक्स्थ और 7th अप्रैल की इंटरवीनिंग नाइट को स्पेशल स्टाफ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एक रेड कंडक्ट की त्रिलोकपुरी एरिया में, जहां पर एक किंग पिन जो कि सट्टा, इलीगल आर्म्स और ड्रग्स के अवैध मामलों में शामिल पाया गया, जिसका नाम है मोहम्मद शकील। 29 साल के हैं और ये 27 ब्लॉक त्रिलोकपुरी के रहने वाले हैं। इनसे हमें एक लैपटॉप पाया गया, जिसमें हमने देखा कि इनके सट्टे के ऊपर डीलिंग चल रही है, और साथ में ही इनके 4 मोबाइल फ़ोन, जिसमें कुछ एक डीलिंग चल रही थी स्टेक होल्डर्स को लेकर। और इसके अलावा हमने लार्ज कैश ऑफ आर्म्स मिला, जिसमें करीबन 2 कंट्री मेड पिस्टल्स थी और 4 देसी कट्टे और करीबन 35 लाइफ कार्ट्रेज। इसके अलावा कुछ चक्कू और चॉपर्स भी पाए गए हैं, और हमें इनसे ड्रग्स की भी बरामदी हुई है। इसमें केस दर्ज कर दिया गया है और बाकी तफ्तीश जारी है, ताकि हम इनके जो अकम्प्लिस हैं या जो इनके एसोसिएट्स हैं और सोर्स और रिसीवर पर काम कर रहे हैं।
और दिल्ली में महंगाई का असर दिख रहा है। ऐसे में आज सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई है, जहां 2.5 रुपये सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगातार महंगाई की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। दूध, फल, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, सभी सामान महंगे होते जा रहे हैं। हालांकि आम जनता की महंगाई की वजह से परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित पेट्रोल पंप पर, और पेट्रोल पंप पर मैं बात करना चाहूंगा कि सीएनजी आप पीछे देखेंगे, सीएनजी पंप भी साथ में है, ये सीएनजी के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए तो कल भी पेट्रोल के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जब पेट्रोल का रेट 105 रुपये पार हो चुका है। वहीं अगर बात की जाए डीजल की, तो डीजल भी 97 रुपये के आसपास है, जो शतक मारने को है। और पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल शतक मार चुका है और इस टाइम पे 110 रुपये के आसपास पहुंचने को है। ऐसी ही ताजा कीमतें मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएनजी की 59 रुपये 11 पैसे है, जो आज 2.5 रुपये 69 रुपये 69 रुपीज 11 पैसा जो है इस टाइम पे कीमत जो है हो चुकी है। इस टाइम पे जो सीएनजी की कीमत है लगातार और रेट जो बढ़ते जा रहे हैं, जो महंगाई इस समय कमर तोड़ रही है लोगों की। ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, पेट्रोल पंप कर्मी, उनसे पेट्रोल की सीएनजी की कीमत क्या है इस टाइम पे चल रही है? 69 रुपये 11 पैसे ये नहीं बढ़ता जा रहे हैं। आज कितनी कीमत बढ़ी है? आज 2.5 रुपये बढ़े हैं। 2.5 रुपये बढ़े हैं। सर नाम बताया आपका? अरमान जी, सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, कमर तोड़ रही है, कैसे घर चलाएंगे बताएं? चक्कर पे रेट नहीं बढ़ रहा, सीएनजी बढ़ते जा रही है, सीएनजी रेट बढ़ती जा रही है, 2.5 रुपये 3 रुपये डेली। अगर ऐसे ही रेट बढ़ता रहा तो दूध सब्जियों के दाम में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे? इससे भी महंगा हो जाएगा, अभी है सीएनजी का जितना बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिस वजह से लोगों की कमर टूट रही है महंगाई के कारण। जो महंगाई है इस टाइम पे सर बिल्कुल चरम सीमा पर है, जहाँ लोगों का कहना है कि जो दाम है वो कम होने चाहिए, जो महंगाई इस समय थोड़ी कम हो सके, जिससे लोगों को राहत मिल सके। कैमरामैन दीपक टांग के साथ मैं रोहित कुमार, नेटवर्क 10 दिल्ली। और दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। एक बानगी आदर्श नगर थाना इलाके के लालबाग में देखने को मिली है, जहां रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में एक युवक को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि मृतक का कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले की छानबीन चल रही है। सुनिए अंकल जी की रात को लड़ाई हुई थी, पता नहीं ऐसी हाथापाई हुई होगी, तो रात को तो सॉल्व हो गई थी। अब सुबह सुबह उन लोग 4-5 लड़के आए, शौचालय गया था मेरा भाई, सुबह 8:30-8:30 बजे की बात है, वो शौचालय से निकला, वैसे उसको चाकू मारा। और साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश थाने की पुलिस टीम ने एक युवक को मोबाइल फोन छीन कर स्कूटी पर भाग रहे दो स्नैचर्स को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 2 सोने की चेन, 6 मोबाइल, 1 स्कूटी, 1 बाइक और 2 चाकू बरामद किए हैं। दोनों आरोपी दिल्ली के नई सीलमपुर इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं, और इससे पहले भी आरोपियों पर स्नैचिंग और लूट के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। और स्पेशल सेल साउथ रेंज की टीम ने दिल्ली एनसीआर में एटीएम उखाड़ने में शामिल मेवात स्थित लुटेरों के एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन लोगों ने दिल्ली के बदरपुर में एटीएम तोड़कर 34 लाख रुपये लूटने की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ये फरार चल रहे थे। पुलिस को इनके पास से कुछ हथियार और 8 लाख रुपये नकदी बरामद हुई है। और दिल्ली के बादी इलाके में सीवर में फंसे लोगों की जान बचाने के लिए उतरे रिक्शा चालक की मौत के बाद मृतक के परिवार को एक व्यापारी ने गोद लिया है। आपको बता दें कि हादसे का शिकार होने वाले ई रिक्शा चालक सतीश के परिवार पर आर्थिक संकट मंडरा रहा था, जिसे दूर करने के लिए रोशनारा रोड के बुजुर्ग व्यापारी ने 3 बच्चियों को आर्थिक सहायता के लिए परिवार की देखरेख का बीड़ा उठाया है। बीते 29 मार्च को बादी इलाके में सीवर में
टेलीफोन केबल की मरम्मत करते हुए तीन मजदूर फंस गए थे। इन्हें बचाने के लिए रिक्शा चालक सतीश भी सीवर में घुसा, लेकिन उसकी अंदर ही दम घुटने से मौत हो गई। सतीश के परिवार में माँ और उसकी पत्नी के अलावा तीन छोटी बेटियां हैं। डीसीपी बीके यादव ने बताया कि घटना के बाद से ही परिवार की देखभाल पुलिस की तरफ से की जा रही है और अब एमएम पाल सिंह गोल्डी ने इस परिवार को प्रति माह 10,000 रुपये बैंक खाते में जमा करवाने का वादा किया है। सूचना प्राप्त हुई कि एक सीवर के अंदर तीन लोग फंसे हुए हैं और बाद में सूचना प्राप्त हुई कि चार लोग अंदर फंसे हुए थे। मौके पर पुलिस पहुंची और जाके मालूम हुआ कि तीन तो कर्मचारी थे जो वहां पे सफाई के लिए गए हुए थे, कुछ MTNL का रिपेयर का काम भी चल रहा था उसके लिए गए हुए थे, और एक व्यक्ति जिनका नाम सतीश था वो उस कर्मचारी दल का हिस्सा नहीं थे। मगर इसके बावजूद जब कहानी की तड़पने की आवाज़ आई तो उन्होंने स्वतः ही एक ऐसी मिसाल कायम करी जो अनुकरणीय है। वो उस मेन रोड के अंदर उतरे और वहाँ जाके उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश करी। अनफॉर्चुनेटली वो कर पाते इससे पहले काफ़ी ज़्यादा वहाँ गैस का जमाव था, वो खुद शहीद हो गए। मेरे हस्बैंड खाना खाने आए थे घर पे, बस कह के गए थे कि रात को आऊँगा पर आए नहीं। वो बहुत अच्छे इंसान थे और सच्चे थे और सबकी मदद करते थे। धन्यवाद कहना चाहूँगा। ठीक है सर, मैं गई दिन भी भूखी हुई। बाकी ये है कि मैं अपने बच्चों को अच्छा बनाना चाहती हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड थे नेक इंसान, वैसे ही बनाना चाहती हूँ। उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड की ख्वाहिश थी कि मेरी बड़ी लड़की दिल्ली पुलिस में हो। और नरेला विधानसभा क्षेत्र के अलीपुर गांव में संपूर्ण तरीके से कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, यहां पर सफाई कर्मचारी आए दिन नदारद रहते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सफाई कर्मचारी हर महीने मोटी रकम आला अधिकारियों को देते हैं, जिसके चलते सभी सफाई कर्मचारी यहाँ से नदारद रहते हैं। इसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस बार नगर निगम चुनाव में लोगों ने नोटा का बटन दबाने की बात कही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 और अलीपुर गांव में, और ये स्थान है बड़ा शिव मंदिर। और बड़े शिव मंदिर के आसपास का जो इलाका है वो एक बार आपको दिखा दूँ कि 5 साल में जो विकास कार्य की दर है वो यहाँ पर किस कदर तेजी दिखाई गई है, क्योंकि जो हालात है वो आप देख सकते हैं। विकास के नाम पर ही तमाम राजनीतिक दल जो है वोट बटोरते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद वापस मुड़कर कोई नहीं देखता। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे। नाम बताएंगे विजयपाल जी, कितना विकास कार्य किया गया 5 साल में? जीरो। कोई विकास नहीं है किसी तरह का, हमने तो होता देखा नहीं। हमारे एरिए में 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। ये झूठे वायदे कर रहे हैं, विकास कर दिया, ये कर दिया। निगम पार्षद ने कितना काम किया और विधायक ने आपके? हमने तो कभी देखे नहीं, यहाँ पे कोई काम नहीं, किसी कोई काम नहीं हो रहा हमारे लिए। दोनों नंबर देंगे अपने विधायक और निगम पार्षद में? हम तो कोई नंबर नहीं देते, जीरो दे रहे हैं। चुनाव आएगा फिर क्या कहेंगे? चुनाव आएगा भाई, लोटा पे लगा देंगे और क्या करेंगे। बजट सेंशन नहीं हुआ आपकी गाँव का? क्या पता, हमें तो बजट सेंशन तो होता होगा। बजट होया कि ना होया, हुआ होगा तो वो जानते होंगे जिनके पास, जिनके पास आता है। कभी गए अपने गांव के विकास को लेकर काम करा? ये सारे पड़ोस के आदमी जाते हैं, क्या जाते हैं काम करेंगे करेंगे करते पहले 5 साल तो पूरे हो गए। हाँ 5 साल हो गए पूरे, उनका टाइम खत्म। अब फिर से चुनाव आएंगे, क्या रहेगा आप लोगों का? इनको तो कोई वोट देगा नहीं, बाकी देखे कैंडिडेट के ऊपर बात है, कौन कैंडिडेट आएगा। खासकर काउंसलर का जो चुनाव होता है वो तो इंडिविजुअल आदमी की जो होना चाहिए के ऊपर होता है। ये भी इलाके में उसको थोड़ा कौन कितना जानता है, उसकी व्यवहार कैसा है, उसके बाद लोग बताएंगे लोग को। मुंह खासा मुंह तोड़ जो जवाब है वो यहाँ के लोग तमाम राजनीतिक दलों को देंगे। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप जैन की रिपोर्ट।